Good morning. In last lecture, we have discussed about the types of energy, that is primary source, secondary source, commercial, non-commercial, renewable, non-renewable, right? Then we have discussed what is energy pricing, energy ka moolya kya hai. To hame developing countries ko ye बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनर्जी प्राइसिंग टू बिकम डेवलप कंट्रीज. इंडिया आल्सो डेवलपिंग कंट्री. तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राइसिंग के बारे में हमें सोचना है. तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट its importance, right? अभी आपको भी पता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन करना जरूरी है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनर्जी कंजर्वेशन. तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का आउटपुट हमें मिलना चाहिए, ये देखना चाहिए. और एनर्जी कंजर्व हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी देखना चाहिए. देखो, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज, राइट. ये ज़्यादा से कम एनर्जी हमें यूज करके ज़्यादा से राइट. इट मे बी अटेन थ्रू इफिशियंट एनर्जी यूज. इन दिस केस एनर्जी यूज इज डिक्रीज एट द सेम टाइम गेटिंग सेम आउटपुट एज अ रिजल्ट. Or by reduce consumption of energy services, it is also easiest process, right? To help the globe by means of pollution in addition to make use of natural energy, right? So next, it may result in increase of financial capital. हमने ऐसा किया तो हमारा financial capital better environmental result आएगा, right? नेशनल सिक्योरिटी हो जाएगी. नेक्स्ट पर्सनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन कंफर्ट भी आ जाएगा कि हमने एनर्जी कंज्यूम की है तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा. इंडिविजुअल एंड कंपनीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी एंड नीड टू कंजर्व एनर्जी सो एज टू रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंसेस एंड प्रमोट इकोनॉमी सिक्योरिटी, राइट. So, industrial and business class users may want to increase the efficiency, and as a result, the maximum their benefits as well as energy conservation is the reduction or removal of unnecessary and unwanted energy use. It is very important to removal of unnecessary and unwanted energy, use of energy, right? अब इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है, हम सिंपली बता सकते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है. जब हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो हमारा इकोनॉमी बढ़ जाएगा, राइट. इकोनॉमी बढ़ने के बाद में जो पोल्यूशंस है वो पोल्यूशन कम हो जाएगा, राइट. अभी ज़्यादा देखो, जितना हम सपोज हमने ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करने शुरू कर दिए तो उसकी वजह से पोल्यूशन. अभी दिल्ली में जो हो रहा है, राइट, दिल्ली में क्या हो रहा है कि जहाँ ये व्हीकल की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, राइट. लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है. तो ये पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो एसिड रेन है वो भी इफेक्ट हो जाता है, कई के स्किन के ऊपर इफेक्ट हो जाता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें DNA डैमेज हो सकते हैं. तो एनर्जी कंजर्वेशन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट. इट हेल्प्स द रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस विथ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑफन द मोस्ट इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन टू एनर्जी शॉर्टेजेस एंड इज मोर एनवायरमेंटली काइंड अल्टरनेटिव टू इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, राइट. See here, we have a limited quantity of non-renewable energy sources, right? हमें जो coal है वो limited है, and it is very important to preserve this energy sources,
फॉर करंट सप्लाई एंड यूटिलाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमें फ्यूचर जनरेशन में यूज़ करनी चाहिए, राइट। सो एनर्जी कंजर्वेशन प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑल्सो इम्पैक्ट्स अवर एनवायरमेंट, स्पेशली यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सप्लाइज टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑयल कोल एंड गैस कंबस्ट, राइट। सो एज वी हमें मालूम है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड वर्क्स एज ट्रांसपेरेंट लेयर इन द एटमोसफियर एंड दैट इज पार्ट ऑफ कॉज टू ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग एज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस इन अवर एटमोसफियर, राइट। इट हैज इट्स अ डेडली इफेक्ट लाइक स्प्रेडिंग ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, वार्मर द वाटर एंड मोर चांसेस ऑफ ह्यूरिकेन्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, पोलर आइस मेल्टिंग, इंक्रीज चांसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स, ओजन डिप्लीमेंटेशन इज द रिडक्शन ऑफ द लेयर, हम उसको ब्लैक होल भी बोलते हैं। जब ये ओजोन लेयर कम हो जाता है तो यूवी रेज हम हमारे स्किन के ऊपर डैमेज कर सकते हैं, डीएनए डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज है जो हम फेस कि कोल बर्न करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे जो पोल्यूशन करके उसकी वजह से हम ये सल्फर डाइऑक्साइड इसका रिएक्शन हो कि एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिश जो हमने रहते हैं उसको किल्स कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टूडेज डे इज वी हैव टू कंजर्व एनर्जी एंड यूज ऑफ सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ ऑयल बिकॉज दिस प्रोड्यूस पोल्यूशन, राइट। देर आर सम फैक्ट्स विच वी हैव टू कंसिडर इन डे टू डे लाइफ, राइट। दीज आर वेरी सिंपल। सो अल्टरिंग वॉट यू नॉर्मली यूज इन यूर डेली रूटीन, क्या कर सकते हैं। शॉप को जाना है तो हम इंस्टेड ऑफ बाइक हम बाइसिकल या पैदल जा सकते हैं, राइट। इट ये ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कम हो सकता है इसकी वजह से। हमें ऐसे लाइट्स यूज करने हैं घर पर, वी हैव टू यूज लाइट्स बल्ब जो है अभी, जो पहले जो बल्ब 60 वैट के थे अब ये 10 वैट 5 वैट बल्ब, ये लाइट्स हमें यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर सेविंग एनर्जी इन नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज, राइट। सपोज हमें क्लोथ ड्राई करने हैं तो हम बाहर धूप में डाल सकते हैं, नहीं तो कोई कोई घर पर ही हेयर ड्रायर और एयर ड्रायर जो रहता है उससे क्लोथ ड्राई करते हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का मिसयूज होता है, राइट। तो इस ये हम कर सकते हैं। वी शुड फिट द थर्मोस्टैट विच रेगुलेट द टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, राइट। जो एसी यूज करते हैं उसमें हमें टेम्परेचर हमें रेगुलेट करना होता है। नेक्स्ट, हम सर्च कर सकते हैं एनर्जी अप्लायंसेस विच रिड्यूस योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। आपने देखा होगा कि अभी जो हमें पढ़ना भी है ये पॉइंट, अभी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सपोज टीवी है या फ्रिज है, राइट, या वॉशिंग मशीन है, तो उसमें हम देखेंगे कि आपने देखा होगा उनके ऊपर स्टिकर लगा होता है और स्टिकर पर लिखा जाता है 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार, राइट। ये स्टार का मतलब ही क्या है कि ये स्टार मींस ये एनर्जी इफिशियंट कितना है ये बताता है, तो उसके हिसाब से हमें परचेस करना होता है। जो 5 स्टार है 3 स्टार है टीवी के ऊपर भी रहते हैं, इसको बोलते हैं स्टार लेबलिंग,
राइट। तो ये स्टार लेबलिंग है और स्टार लेबलिंग के हिसाब से हमें परचेस करना होता है। तो ये हमें डेली रूटीन में चेक करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनर्जी कंजर्व करना, बिकॉज हमारे जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, बाद में हमें बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अभी हमें ये सोचना होगा सबको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करें, राइट। नेक्स्ट जो है चेंजिंग योर एक्टिविटीज़ यू डू इन योर एवरीडे प्रैक्टिस, हमें क्या क्या चेंज करना है। ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, लेकिन देखो सबको पता है, लेकिन वैसा ही चेंज कर। अभी हम उसको क्लास के बाहर निकलते हैं तब हमें लाइट फैन जो है वो बंद करनी चाहिए। दिस इज ये सबकी ये सबका काम है कि ये हमें बंद करना है, राइट। ये जिम्मेदारी है सबकी कि ये हमें एक्स्ट्रा जो है एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो कम करना है। तो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन, राइट। विंडो के बाहर नेचुरल एयर, अभी जो एसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसके अलावा हम ये कर सकते, विंडो के बाहर हम ट्री लगा सकते हैं, उसके लिए इसके लिए नेचुरल एयर अंदर आ सकता है। रिसाइकल आइटम्स यूज़ कर सकते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज सच एज कैंस, प्लास्टिक, वाटर बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर, सेव्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट, राइट। तो वॉश डाउन क्लोथ्स इन फील्ड लोड्स इन वॉशिंग मशीन एंड इन कोल्ड वाटर, राइट। यूज सेटिंग ऑन वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स एंड डिशवॉशर्स फॉर सेविंग द एनर्जी। तो ये हमने अभी तक इम्पोर्टेंस देखे हैं, बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं तो दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, कि एनर्जी सिक्योर कैसे करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बीट है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी। ये एनर्जी सिक्योरिटी इज एसोसिएटेड विद नेशनल सिक्योरिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी कंजम्पशन, राइट। सी हियर, एक्सेस टू चीप एनर्जी हैज बिकम एसेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज, हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सप्लाईज अमॉन्ग कंट्रीज हैज लीड सिग्निफिकेंट वर्नेबिलिटीज, राइट। इंटरनेशनल एनर्जी रिलेशंस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी वर्नेबिलिटी एट द सेम टाइम, राइट। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इज एन इश्यू ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, राइट। सी इट इज टाइम टू डिफाइन द ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीज मॉडल which not only aims at ensuring an efficient environmental protection but also at ensure security of the energy supply, right. So energy security very important, right. इसमें हम देखेंगे what is energy security and उसका definition भी देखेंगे, बहुत ही simple definition है। तो उसका as per IEA means International Energy Agency, the IEA defines energy security as the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price, इसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, कि कंटिन्यूअस हमें एनर्जी सप्लाई होना चाहिए और कम से कम प्राइस में, हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उस प्राइस में होना चाहिए, इसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। इट हैज मेनी डायमेंशंस,
लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मेनली डील्स विद टाइमली इन्वेस्टमेंट टू सप्लाई एनर्जी इन लाइन विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल नीड्स. इट इज लॉन्ग टर्म मेजर्स, राइट. एंड शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ द एनर्जी सिस्टम टू रिएक्ट प्रॉम्प्टली टू सडन चेंजेस विद इन द सप्लाई डिमांड बैलेंस. इसको बोलते शॉर्ट टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, राइट. लैक ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इज दस लिंक्ड विद द नेगेटिव इकोनॉमी ऑफ एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ आइदर फिजिकल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी और प्राइजेस दैट आर नॉट कॉम्पिटिटिव और ओवरली वॉलाटाइल, राइट. जो एनर्जी सिक्योरिटी लैक ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी हार्म्स अवर इकोनॉमी, राइट. सपोज इन केस ऑयल मार्केट वेयर प्राइजेस आर अलाउड टू एडजस्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड द रिस्क ऑफ फिजिकल अनअवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू एक्सट्रीम इवेंट्स. सप्लाई सिक्योरिटी कंसर्न आर प्राइमरली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डैमेज कॉज बाय एक्सट्रीम प्राइजेस स्पाइक्स, राइट. द कंसर्न फॉर फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई इज मोर प्रिवेलेंट इन एनर्जी मार्केट वेयर ट्रांसमिशन सिस्टम्स मस्ट बी केप्ट इन कॉन्स्टेंट बैलेंस सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड टू सम एक्सटेंट नेचुरल गैस. दिस इज पर्टिकुलरली द केस इन इंस्टेंट वेयर देयर आर कैपेसिटी कंस्टेंट और वेयर प्राइजेस आर नॉट एबल टू वर्क एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड इन द शॉर्ट टर्म, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस लॉन्ग टर्म, राइट. इन द लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म मेजर्स टू इंक्रीज एनर्जी सिक्योरिटी सेंटर ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एनी वन सोर्सेस ऑफ इम्पोर्टेड एनर्जी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सप्लायर्स एक्सप्लॉइटिंग नेटिव फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल डिमांड थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, राइट. It can involve entering into the international agreement to underpin international energy trading relationship. For example, energy charter treaty in Europe. All the concern coming from security threats on oil sources, long-term security. Measures will help reduce the future cost of importing and exporting fuel into out of countries without having to worry about harm coming to goods being transported. Increasing dependence on oil imports means reliance on imports from the Middle East, a region to disturbance and consequent disruption of oil suppliers. This calls for diversification of source of oil imports. The need to deal with the oil price fluctuations also necessitates measure to be taken to reduce the oil dependence of the economy, possibly through fiscal measures to reduce demand and by developing alternatives to oil such as natural gas and renewable energy sources, right. Some strategies that can use to meet future challenge to their energy security. First is building stock bills. Second, diversification of energy supply sources. Third, increase capacity of fuel switching. Fourth, demand restraint. Fifth, development of renewable energy sources. Sixth, energy efficiency. Seventh, sustainable development. So
we have to consider all the effect of the energy security on your economy, right? The question will ask for this. Thank you very much.